हेलो मेरे डियर डाइट हैक्स की फैमिली, जैसा कि मैंने आपको प्रॉमिस किया था, मैं अपने पोर्शन कंट्रोल के वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर हूँ। ये पोर्शन कंट्रोल अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करने के लिए मैंने अपने लास्ट वीडियो में ही आपको बताया था कि आप क्या खाते हैं उससे ज़्यादा, कहीं ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है आप कितना खाते हैं। इनफैक्ट कुछ लोग हेल्दी खाते हैं, बहुत कम, बहुत रेयरली वो कुछ अनहेल्दी खाते हैं, तो भी उन्हें वेट लॉस या फैट लॉस में रिजल्ट नहीं मिलता। और उसकी वजह यही है कि जो हमारा आइडियल आदर्श पोर्शन साइज है, किसी भी चीज़ को खाने का अमाउंट है, वो जो है हमारे इमेजिनेशन से बहुत ज़्यादा कम होता है। तो मैं आज कोशिश करूंगी ये आइडियल पोर्शन या आइडियल पोर्शन साइज आपको समझाने की। अपनी तरफ से मेरी कोशिश पूरी रहेगी, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है क्योंकि ये वन ऑन वन यानी आमने सामने बैठ के क्लाइंट या पेशेंट को समझाना थोड़ा सा इजी होता है। हम बहुत सारे टेक्निक्स यूज़ करते हैं उसमें, पर वीडियो के माध्यम से समझाना थोड़ा मुश्किल होता है। पर मैं चाहती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस चीज़ को समझें, अपने वेट लॉस और अपने फैट लॉस की जर्नी में क्या कहाँ गड़बड़ हो रही है, क्या गलत जा रहा है, उसको आइडेंटिफाई करें और अच्छा, बहुत अच्छा वेट लॉस और फैट लॉस विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग ऑन हेल्थ, विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग ऑन लुक्स को वो अटेन करें। इसी उद्देश्य के साथ मैं ये वीडियो लाई हूँ, बहुत मेहनत से लाई हूँ। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करें, बेल का नोटिफिकेशन भी दबा दीजिए कि इस तरह के वंडरफुल वीडियो आपको आगे भी मिलते रहेंगे। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट सेक्शन में। चाहे आप वेट लॉस की कोशिश कर रहे हो, चाहे आप मसल्स गेन करने की कोशिश कर रहे हो, चाहे आपको सिर्फ अच्छा खाना है, साइज बहुत ज़्यादा मैटर करता है दोस्तों, बहुत ज़्यादा। साइज से मैं यहाँ बात कर रही हूँ, आप कितना खा रहे हैं, आपकी प्लेट में कितना सर्विंग जा रहा है, वो होता है पोर्शन साइज। आप अपनी प्लेट में कितना एक समय में परोस लेते हैं, वो है पोर्शन साइज। तो अब आप यही कन्फ्यूजन में रहेंगे कि भाई पोर्शन साइज या परोसना तो हमारे हाथ में, हम पे निर्भर करता है। हम ज़्यादा भी चम्मच में लेके परोस सकते हैं या हम कम भी परोस सकते हैं, कि नहीं वैसा नहीं होता। एक्चुअली बहुत सारे विजुअल क्यूज़ है और हैंड क्यूज़ भी है। विजुअल क्यूज़ है जिसमें आप देख के पता लगा सकते हैं कि इस फूड का पोर्शन साइज कितना है। हैंड क्यूज़ है जिसमें आप अपने हाथों की सहायता से पता लगा सकते हैं कि एक फूड, एक पर्टिकुलर फूड का एक आदर्श पोर्शन साइज कितना है। और इसी वीडियो के अंत में मैं आपको बताऊंगी कि वेट लॉस इस डाइट के लिए आपको हर फूड का कितना कितना पोर्शन साइज पूरे दिन में यूज़ करना है। तो अंत तक बने रहिए, कोई भी पोर्शन मिस मत करिए, क्योंकि फिर आपको समझ में नहीं आएगा। और ये शायद सबसे बड़ी दिक्कत है आपकी वेट लॉस की जर्नी में कि आपको अभी तक अपना पोर्शन साइज, आइडियल पोर्शन साइज पता ही नहीं है। तो बात करते हैं विजुअल क्यूज। विजुअल क्यूज का मतलब ये है कि आपको देख के समझ में आ रहा है कि इस फूड का आइडियल पोर्शन साइज कितना है। अब जैसे फ्रूट हो गया, फ्रूट अगर आपका टेनिस बॉल के साइज का है तो इसका मतलब वो एक पोर्शन साइज है। जैसे एक छोटा एप्पल जो टेनिस बॉल के साइज का है तो एक पोर्शन है। अगर फ्रूट का साइज बड़ा है तो उसको जब आप कट करते हैं और कट फ्रूट एक कप में आता है, वो होता है उस कप, उस फ्रूट का एक पोर्शन साइज। इसी तरह अगर वेजिटेबल्स यानी सब्जियों की बात करें तो अगर पकी हुई सूखी सब्जी है तो हाफ कटोरी जो होता है वो एक पोर्शन साइज होता है, और अगर ग्रेवी वाली सब्जी है तो वन कटोरी जो होता है वो उसका आइडियल पोर्शन साइज होता है। अगर हम सीरियल्स ग्रेन्स की बात करें, अनाज की बात करें, जिससे बनती है हमारी रोटी या जिससे हमारी बनती है भाकरी, अगर हम ज्वार बाजरे की बना रहे हैं तो, या फिर हमारे ब्रेड भी बनते हैं ना, कई बार हम ब्रेड के स्लाइसेस भी खाते हैं, तो वो उसके पोर्शन साइजेस कैसे रहते हैं। तो अगर आप अनाज से बना रहे हैं, जैसे कि मान लीजिए हलवा या फिर पोहा या फिर उपमा, तो एक कटोरी जो होता है वो आपका एक पोर्शन साइज होता है। पर अगर आप बना रहे हैं कि चपाती या फुलका या फिर भाकरी, तो फिर चपाती या फुलका एक जो होता है वो एक पोर्शन साइज होता है। अगर आप मिलेट या अन्य से या फिर ज्वार बाजरा नाचनी इनकी अगर भाकरी बना रहे हैं और वो बड़ी और मोटी बनती है, तो बेसिकली उसमें डेढ़ से दो पोर्शन साइज आ जाते हैं। इसी तरह अगर ब्रेड की आप दो स्लाइसेस खा रहे हैं तो दो स्लाइसेस एक पोर्शन साइज बनाता है, ठीक है। अब इसके बाद हम बात करते हैं पल्सेस की, या फिर लेग्यूम्स की, या फिर स्प्राउट्स की, या फिर जो हमारे बंद दालें होती है उन खाने की, तो इनका जो होता है एक कटोरी कुक मतलब पका हुआ, वो एक पोर्शन साइज होता है। और अगर हम बात करें मिल्क या मिल्क से बनी हुई चीज़ों से, दूध या दूध से बनी हुई चीज़ों की, तो एक ग्लास दूध, एक छोटा ग्लास दूध 250 ml का, या फिर एक उतने ही ग्लास में भरा हुआ बटर मिल्क एक पोर्शन बनाता है, छाछ का एक पोर्शन बनाता है। पर अगर लस्सी ले लेंगे तो लस्सी का ग्लास बड़ा होता है, लस्सी के ग्लास में आपके 2 से 2.5 पोर्शन दूध का आ सकता है या उससे बनी हुई चीज़ का आ सकता है। इसी के अलावा अगर आप दही लेते हैं, एक कटोरी दही लेते हैं, तो वो एक पोर्शन होता है। नॉनवेज की बात करें तो अगर आप 2 अंडे लेते हैं तो वो एक पोर्शन बनता है, या फिर अगर आप चाहे पोल्ट्री ले लें, चाहे मीट ले लीजिए, चाहे सी फूड ले लीजिए, अगर हाफ कटोरी आप ले रहे हैं तो वो एक पोर्शन बनता है। अगर हम फैट की बात करें, जो ऑयल घी हम यूज़ करते हैं पूरे दिन में, तो 6 से 8 टीस्पून जो होता है वो हमारा एक पूरे दिन का टोटल पोर्शन बनाता है। मतलब एक पोर्शन जो ऑयल या घी का बोल लीजिए, वो एक डाइस के बराबर होता है। साइज जो होता है डाइस का, डाइस जो हम यूज़ करते हैं लूडो वगैरह खेलने में, उस डाइस के साइज का फैट एक पोर्शन बनाता है। 6 से 8 टीस्पून बेसिकली आप पूरे दिन में यूज़ करने हैं आइडियली
फैट या ऑयल के। अब हम बात करेंगे कुछ हैंड क्यूज। हैंड क्यूज मतलब हैंड से हम पता लगाएंगे कि कितना किसका पोषण होता है। जैसे कि अगर फ्रूट या वेजिटेबल की मैं बात करूँ तो एक मुट्ठी, एक बंद मुट्ठी जो होती है वो एक पोर्शन साइज होता है फ्रूट का। उसी तरह अगर मैं बात करूँ किसी भी नॉन वेज की, अगेन पोल्ट्री, सी फूड, कुछ भी आप उसमें ले लीजिए मीट मटन, तो एक पाम माइनस फिंगर्स, मतलब फिंगर्स उसमें इंक्लूड नहीं है, बस एक पाम के इतना आप नॉन वेज लेंगे तो वो क्या हो गया, एक पोर्शन हो गया। इसके अलावा अगर आप रोटी ले रहे हैं तो रोटी जो आपकी कॉम्पैक्ट डिस्क है, सीढ़ी हम जिसे पहले आती थी, उसकी जो साइज होती है वो होता है वन पोर्शन। और अगर चावल की मैं बात करूँ तो आप कप केक खाते हैं, वो कप केक के नीचे एक रैपर आता है, पेपर आता है, उसमें जितना चावल बैठे वो होता है अनफॉर्चुनेटली चावल का एक पोर्शन। और अगर ऑयल, घी, इन सब की बात की जाए तो आपका जितना थंब है इस अंगूठे के साइज के बराबर का आपका होता है ऑयल या घी का वन पोर्शन। ठीक है, तो ये हो गए हैंड क्यूज। कुछ जंक फूड के भी पोर्शन साइजेस है, जैसे अगर आप नूडल्स या पास्ता बना रहे हैं तो आइसक्रीम का जो एक स्कूप भर के जितना नूडल्स या पास्ता आएगा वो एक पोर्शन उनका हो जाएगा। आइसक्रीम का भी एक स्कूप आइसक्रीम का वन पोर्शन हो जाएगा। चिप्स अगर आप खा रहे हैं तो एक कप हैंड फूड में जितने चिप्स आते हैं वो आपके चिप्स के अनफॉर्चुनेटली वन पोर्शन हो जाते हैं। जी हाँ, आपको बहुत कम खाना है, यहाँ से आपको समझ में आ रहा होगा। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो अब अच्छे से समझ लीजिए। मैं आपको बता रही हूँ अगर आप वेट लॉस डाइट पे हैं तो आपको हर फूड का कितना कितना पोर्शन साइज पूरे दिन में लेना है। फ्रूट्स और वेजिटेबल्स से शुरू करते हैं। फ्रूट्स और वेजिटेबल्स का बेसिकली आपको पूरे दिन में लेने हैं 2.5 से 3 पोर्शन। वन कप फ्रूट आप दिन भर में 3 बार खा सकते हैं। वही चीज़ वेजिटेबल्स के साथ भी है। अगर वेजिटेबल्स आप सूखी बना रहे हैं या फिर आप ग्रेवी वाली बना रहे हैं तो मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि हाफ या वन कटोरी उसका एक एक पोर्शन साइज होता है, और उस हिसाब से आपको 2.5 से 3 पोर्शन साइज पूरे दिन में वेजिटेबल्स के लेने हैं। मतलब क्या हो जाएगा, मोटा मोटा आप देख लीजिए तो लंच में भी आपको 2 सर्विंग्स वेजिटेबल्स की लेनी है और डिनर में भी आपको 2 सर्विंग्स वेजिटेबल्स की लेनी है। इसके अलावा आप वेजिटेबल्स को अलग अलग फॉर्म में अपने नाश्ते में और अपने सैलड में भी इंक्लूड कर सकते हैं, जिसकी वजह से आप उसकी सर्विंग्स बढ़ा सकते हैं, क्योंकि सर्विंग्स 3 है, 3 से 3.5 है, 3.5 तक है वेजिटेबल्स की सर्विंग। इसके अलावा पल्सेस या लेग्यूम्स या फिर इनकी बात करें, स्प्राउट्स की बात करें, तो उनकी भी आपको 2.5 से 3 सर्विंग लेनी है। बेसिकली आप जो भी दाल ले रहे हैं वो कम से कम 1.5 से 2 कटोरी लंच में, 1.5 कटोरी आपके डिनर में रहनी ही रहनी चाहिए। इसके अलावा आप इन बिटवीन स्नैक भी स्नैकिंग करके उसकी और क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि हम जब वेट लॉस डाइट पर रहते हैं तो हम प्रोटीन की अमाउंट अपने डाइट में थोड़ी सी ज़्यादा रखते हैं फॉर बेटर इम्यूनिटी एंड फॉर बेटर वेट लॉस एज वेल, बेटर फुलनेस एज वेल। तो आप वहाँ रख सकते हैं, आप अपने ब्रेकफास्ट में भी ज़्यादा प्रोटीन रख सकते हैं। तो आपको इतना पोर्शन साइज आपके प्रोटीन्स का भी रखना है दाल से या स्प्राउट्स का। आप नॉनवेज ले रहे हैं तो मैंने आपको पहले बता दिया कि अगर आप 2 अंडे ले सकते हैं, आप उसको ब्रेकफास्ट में इंक्लूड कर सकते हैं, बॉइल्ड या किसी भी फॉर्म में आप इंक्लूड कर सकते हैं, या फिर आप दूध इंक्लूड कर सकते हैं स्मॉल कप, तो वो भी एक प्रोटीन का सोर्स है और आप उसको भी वहाँ शामिल कर सकते हैं। तो इस तरह आप इनके सोर्सेज, इनके पोर्शंस को बेसिकली एडजस्ट कर सकते हैं। अगर आप वेजिटेरियन हैं तो आप दही है या छाछ है उसको आप अपने लंच में इंक्लूड कर सकते हैं, क्योंकि इनके भी आपको पूरे दिन में 2.5 से 3 पोर्शन देने हैं। तो डिनर में आप जो सैलड बना रहे हैं तो उसमें आप थोड़े से स्प्राउट्स या आप उसमें थोड़ा सा बॉइल्ड लेग्यूम्स डाल देते हो, वो भी एक प्रोटीन बढ़ाने का सोर्स है। रात को सोते वक्त एक ग्लास दूध पीना भी एक प्रोटीन बढ़ाने का सोर्स है। तो इस तरह आप प्रोटीन को बढ़ा सकते हैं और अपने पोर्शन साइज इंक्रूव कर सकते हैं। सबसे मेन चीज़ आती है कार्ब्स, यानी सीरियल्स, यानी कि ग्रेन्स, यानी मिलेट्स। ज़्यादा से ज़्यादा मिलेट्स का यूज़ करिए, ज्वार, बाजरा, रागी, मक्का, ये जितना ज़्यादा यूज़ करेंगे उतना आपको अच्छा बेनिफिट मिलेंगे वेट लॉस में। इनके जो आपको पोर्शन साइजेस है वो पूरे दिन में 6 तक रखने हैं, 6 से 7 तक रख सकते हैं आप, डिपेंड करता है कि आपको कितना रिस्ट्रिक्टिव अपना डाइट रखना है। तो ब्रेकफास्ट में शायद एक पोर्शन साइज आप रख सकते हैं और लंच में आप 2 और फिर डिनर में आप 2, फिर आप करके 5 से 6 आप पोर्शन साइजेस इनके इंक्लूड कर सकते हैं। थोड़ा बहुत कार्ब्स आपको वेजिटेबल्स और फ्रूट्स से भी मिलता है तो वो चीज़ आप फैक्टर इन करके रखें। सो दीज आर द सीरियल, सीरियल के आप इतने पोर्शन साइजेस रखें। तो 2 मान लीजिए आपने 1-2 पराठे अगर ब्रेकफास्ट में खाए हैं तो फिर आप जो रोटी है, फुल्का है, आप डिनर में खा रहे हैं थोड़ा लाइट रखें, एक आधी रखें, तो इस तरह आप अपने पोर्शन साइजेस मैनिपुलेट कर सकते हैं और उनको अच्छे से बैलेंस कर सकते हैं। फैट का मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, 6 से 8 टीस्पून के ऊपर ना जाने दें और उतना ही उसको रिस्ट्रिक्ट करके। ये थे सारे पोर्शन साइज, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और मैं आशा करती हूँ कि मेहनत से बनाया गया ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लाइक देने में बिल्कुल भी कुछ नहीं जाता है, प्लीज़ लाइक दीजिए क्योंकि मैं उसे आपका आशीर्वाद समझती हूँ। और कमेंट करके मुझे बताइए कि आपको वीडियो क्या लगा, वीडियो में आप क्या चीज़ देखना चाहते हैं, आपके लिए सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग आपको वेट लॉस करनी है क्या है। इसके अलावा आपको कुछ भी चीज़ शेयर करनी है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। अपना बहुत ज़्यादा अच्छा ख्याल रखिए क्योंकि आप इस ख्याल को डिज़र्व करते हैं।